जिस गूगल पे कुछ साल पहले तक ही सनी लियोनी को सबसे ज्यादा सर्च किया जाता था, वहीं 2022 में इंडिया में गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले 3 व्यक्ति ये थे, जिनमें नीचे वाले 2 व्यक्ति इस लिस्ट में तब आते हैं जब वो अपने देशों की टॉप पोजीशन पे अपॉइंट होते हैं। द्रौपदी मुर्मू इंडिया की प्रेसिडेंट बनती है और ऋषि सुनक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, तब जाके लोग इनके बारे में सर्च करना शुरू करते हैं इतने बड़े स्केल पे। पर इस लिस्ट में जो टॉप पे है वो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है जिसका नाम है नूपुर शर्मा। ना ही वो पॉपुलर थी और ना ही वो कोई पावरफुल पोजीशन होल्ड करती थी जिसके कारण लोग उसके बारे में सर्च करें। फिर भी नूपुर शर्मा का इस लिस्ट टॉप 1 पे होने का कारण यह है कि वो एक ऐसी हिंदू महिला है जिससे भारत समेत दुनिया भर के मुसलमान घृणा करते हैं, हेट करते हैं। नूपुर शर्मा मैक्सिमम मुसलमान या तो उसे जेल में जाते हुए देखना चाहते हैं या उसे मरते हुए देखना चाहते हैं। कमलेश तिवारी याद है ना आपको, क्या हाल हुआ उसका लास्ट में, वही हाल होगा तुम्हारा भी नूपुर शर्मा। कानून का काम है उसे फांसी देना, और अगर हम इंसाफ पर उतर आए तो हमें आतंकवादी मत कहना। और केवल मुसलमान व्यक्ति ही उससे घृणा नहीं करते बल्कि संसार भर के 14 से अधिक मुस्लिम देश नूपुर शर्मा के विरोध में सरकारी डॉक्यूमेंट जारी कर चुके हैं, जिन मुस्लिम देशों की टोटल पॉपुलेशन 1 बिलियन से कहीं अधिक ऊपर चली जाती है। टर्की और पाकिस्तान जैसे देशों से आतंकवादी भेजे जाते हैं केवल इसे एक हिंदू महिला को मारने के लिए। ऐसे बड़े लाइफ थ्रेट्स के कारण इस महिला को सबसे पहले तो गन लाइसेंस लेना पड़ता है अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, और अपना जीवन अंडरग्राउंड होकर छिपते छुपाते जीना पड़ता है, और आज भी जी रही है ये महिला उसी प्रकार। कोई नहीं जानता कि ये महिला रहती कहाँ है, उसके सिवाय ये महिला कभी भी पब्लिक में जा सकती, विशेषकर उन स्थानों पे जहाँ पे मुस्लिम लोग ज्यादा हों। किसी आवश्यकता के कारण यदि वो घर से बाहर निकलती भी है तो भी उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं हर समय उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी और घर के किसी सदस्य को भी वो ना देखना पड़े जो मैंने देख लिया। तो क्या तुम्हारी जिज्ञासा नहीं बढ़ रही कि दिल्ली की एक अकेली हिंदू महिला ने ऐसा क्या कर दिया जो दुनिया भर के 100 से 150 करोड़ मुसलमान उसकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट तक ने इस महिला का साथ छोड़ दिया है ये कह के कि इसकी जबान ज्यादा चलती है, और भारत सरकार ने तो इस महिला को फ्रिंज एलिमेंट ही घोषित कर दिया है। आज की इस वीडियो तुम यही जानोगे कि कौन है ये हिंदू महिला जिसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसा कुछ तो भूल जाओ बल्कि फ्रीडम टू स्टे अलाइव जैसा भी कोई राइट नहीं है। शुरू से शुरू करते हैं। ये ज्ञानवापी मस्जिद है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लोकेटेड है। इस मस्जिद के बारे में माना जाता है कि सदियों पहले एक बड़े शिव मंदिर को मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा तोड़ के उस आधे टूटे मंदिर के अवशेषों के साथ ही उस मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट किया गया था। इस क्लेम के लिए आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी उपलब्ध हैं, और हिंदुओं द्वारा इस साइट को वापस क्लेम करने के लिए सदियों से एफर्ट किए जा रहे हैं, दशकों से कोर्ट केसेस चल रहे हैं। इसी में लेटेस्ट प्ली 5 हिंदू महिलाओं के द्वारा 12 मई 2022 को फाइल की गई थी, जिस प्ली में इन हिंदू महिलाओं ने स्थान पे पूजा करने का अधिकार मांगा। इसी केस में आगे ज्ञानवापी वाली साइट पे वीडियो सर्वे भी किया गया एविडेंस को के लिए कि क्या ये मस्जिद पहले मंदिर थी। इस सर्वे में अनेकों हिंदू चिन्ह और आकृतियां पाई गई, उसके सिवाय मस्जिद के वजू खाने में एक शिवलिंग पाया गया जिसको ऊपर से डैमेज किया गया है। फिर से मेंशन कर दूं कि ये शिवलिंग इस मस्जिद के वजू खाने में पाया गया है, यानी कि वो स्थान जहाँ पे मुस्लिम लोग अपने हाथ पैर धोते हैं, कुर्ला वगैरह करते हैं, अपने शरीर की सफाई करते हैं और मैल यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। ये शिवलिंग ऐसे स्थान पे मिलते ही उस वीडियो सर्वे के इंटरनेट पे आते ही लोग इसके बारे में बात करने लगते हैं, ये एक ऑनलाइन विषय बन जाता है, और नेशनल टेलीविजन पे भी इस बारे में डिबेट होने लगती है कि हिंदुओं को उनका मंदिर वापस मिलना चाहिए। उसी समय मुस्लिम साइड से भी एक ट्रेंड शुरू हो जाता है, एक कैंपेन सा शुरू हो जाता है जिसके अंतर्गत टीवी डिबेट्स में जो मौलाना होते हैं वो जानबूझ के शिवलिंग को पानी का फुवारा बता रहे होते हैं, अधिक से अधिक इंसल्टिंग टोन में वो हिंदू संस्कृति का मजाक उड़ा रहे होते हैं। उसके सिवा इंटरनेट पे भी यही ट्रेंड देखने को मिलता है जहां पे ये कुछ सिलेक्टिव मुस्लिम लोग शिवलिंग को न्यूक्लियर रिएक्टर से कंपेयर कर रहे हैं, किसी पत्थर से कंपेयर कर रहे हैं। उसके सिवाय भगवान श्री कृष्ण के बारे में गंदे गंदे कमेंट किए जाते हैं। अधिक से अधिक इंटरनेट पे हिंदुओं को, हिंदू संस्कृति को इंसल्ट किया जाता है, भगवान शिव और कृष्ण को इंसल्ट किया जाता है ये जानते हुए कि वापस हिंदू इसका उत्तर नहीं दे सकते बल्कि लीगली उन्हें अनुमति है ही नहीं इसका उत्तर देने की। जहां एक और अनगिनत मुस्लिम अकाउंट्स हिंदुओं को अधिक से अधिक डिमीन कर रहे हैं, उन्हें निराश करने के लिए इस प्रकार की इंसल्टिंग बातें कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हिंदू ना तो इसे फैक्चुअली काउंटर कर सकते हैं और ना ही उस इंसल्टिंग टोल में उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि दोनों ही स्थिति में उन हिंदुओं को या तो जेल हो जाएगी या फिर मानव द्वारा उन्हें मार दिया जाएगा। दोनों ही रियल पॉसिबिलिटीज हैं, इसीलिए आज के दिन भी तुम्हें इंटरनेट पे अनेकों हिंदू भगवानों पे चुटकुले मिल जाएंगे, उनके अपमान मिल जाएंगे, पर इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें वैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। हिंदुओं का मजाक बनाना एक्सेप्टेबल है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंस भी नहीं है, इसीलिए बड़ी बड़ी न्यूज डिबेट्स में भी पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन भी हिंदुओं को इसी प्रकार इंसल्ट कर रहे थे। इस सब के बीच मई 2022 में नूपुर शर्मा टाइम्स नाउ चैनल की डिबेट में होती है, जहां पे वो भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन के रूप में एक रिप्रेजेंटेटिव है। इस डिबेट का टॉपिक वही ज्ञानवापी वाला होता है जहां पे शिवलिंग पाया गया है,
और इसी के बारे में बात हो रही होती है कि क्या ये मस्जिद एक शिव मंदिर को तोड़ के बनाई गई है। इस डिबेट में नूपुर शर्मा के अपोजिट साइड तस्लीम अहमद रहमानी नाम का मुस्लिम स्पोक्स पर्सन होता है, जो अलेजेटली भगवान शिव के बारे में अभद्र कमेंट करता है, शिवलिंग का मजाक उड़ाता है, उसे पानी का फुआरा बताता है बार बार। और नूपुर शर्मा ने जो अपने डिफेंस में बताया है उसके अनुसार यही चीज दूसरे स्पोक्स पर्सन के द्वारा भी इस डिबेट में की जाती है। इन स्पाइट ऑफ रिपीटेडली रिक्वेस्टिंग द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्वड सो प्रैक्टिस रिस्ट्रेंट अदरवाइज यू आर इन कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट इट वाजंट स्टॉपिंग द मॉकिंग एंड स्टॉप देयर वाज अ पर्सन फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी there was the SDPI Dr. Rehmani and there was somebody some Suhail from AIMIM who's quite hardcore and radical about his opinions on national television the three of them continued to mock और यही बात नूपुर शर्मा को बहुत अधिक चुभ जाती है। उस शो के दौरान अगर कुछ पैनलिस्ट शिवलिंग का मजाक उड़ा सकते हैं तो वो प्रॉफिट मोहम्मद और इस्लाम का क्यों नहीं उड़ा सकती। वो एक प्रैक्टिसिंग हिंदू होती है जो कि हिंदू धर्म का उपहास होता देख के तस्लीम रहमानी की ही एग्रेसिव टोन में उसे काउंटर करने लगती है और एक स्टेटमेंट दे देती है जिसमें वो कहती है कि तस्लीम रहमानी तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा यदि मैं भी तुम्हारी ही भाषा में इस्लाम और प्रॉफिट के बारे में बात करना शुरू कर दूं। ये कह के नूपुर शर्मा आगे एलिजेडली कुरान और हदीसों के रेफरेंसेस को कोट करने लगती है। तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न आ रहे होंगे कि एक टीवी डिबेट में जहाँ पे मुस्लिम लोग हिंदुओं को इंसल्ट कर रहे हैं और उनके उत्तर में एक हिंदू महिला इस्लाम को क्रिटिसाइज कर देती है तो इस सब में चीजें तो दोनों ओर से होनी चाहिए थी। हिंदुओं की ओर से भी यही एग्रेशन यही आक्रोश देखने को मिलना चाहिए था उन लोगों के प्रति जिन्होंने हिंदू धर्म को इंसल्ट किया हो, जिन्होंने शिवलिंग को इंसल्ट किया हो, बार बार उसे पानी का फुहारा बताया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी तुम्हें देखने को नहीं मिलता हिंदुओं की ओर से। अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गवा के रहने की नौबत नहीं आती। हिंदुओं को कोई परवाह नहीं थी, कोई परवाह नहीं है कि कौन मुस्लिम स्पोक्स पर्सन क्या बोलता है, हिंदुओं को कितना इंसल्ट करता है। इसलिए नूपुर शर्मा के अपोजिट साइड बैठा व्यक्ति जिसने हिंदुइज्म को इंसल्ट किया था वो आज भी खुले में घूम रहा है, नेशनल टेलीविजन पे आज भी उन्हीं डिबेट्स का हिस्सा बन रहा है जहाँ पे वो हिंदुइज्म को आज भी इंसल्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सिटिंग नेक्स्ट टू मी इज अ जेंटलमैन हु इज सो सेफ एंड साउंड। ये बाहर घूम रहे हैं, जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। एक साल पहले ये जिसके साथ डिबेट में थे वो बेचारी घर के अंदर है। इसके ऑपोजिट नूपुर शर्मा अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकती क्योंकि मुस्लिमों का मानना है कि उसने जो स्टेटमेंट दी है वो ब्लास्फेमस है, वो स्टेटमेंट इस्लाम को इंसल्ट करती है जिसकी सजा केवल मौत है। पर ये पूरा विषय नेशनल या फिर इंटरनेशनल भी कैसे बना जहाँ पे 14 से अधिक मुस्लिम देश भारत के विरोध में खड़े हो जाते हैं, इसके पीछे की भी कहानी बड़ी रोचक है। ये भारत के ही वेरियस मुस्लिम ट्विटर हैंडल होते हैं जो कि इस्लामिक देशों को उनकी एम्बेसीज को टैग करके उन्हें रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि आप इस्लामिक देश हो, इंडिया का विरोध करो, उन्होंने हमारे इस्लाम की इंसल्ट की है। इंडिया की रूलिंग बीजेपी पार्टी की एक स्पोक्स पर्सन नूपुर शर्मा है जो हमारे रिलीजन को इंसल्ट कर रही है, इसलिए आप इंडिया पे प्रेशर बनाओ ताकि वो नूपुर शर्मा को फांसी दे सके इस्लाम की इंसल्ट करने के लिए। इन भारतीय मुसलमानों के ही अकाउंट्स में से सबसे बड़ा अकाउंट मोहम्मद जुबैर का था जिसने स्मार्टली नूपुर शर्मा की उस न्यूज डिबेट वाली क्लिप को एडिट कर दिया और वो वाला पार्ट ट्रिम कर दिया जहाँ पे तस्लीम रहमानी हिंदुइज्म को इंसल्ट कर रहा है और दूसरे स्पोक्स पर्सन भी हिंदुइज्म को इंसल्ट कर रहे हैं और केवल वो वाला हिस्सा दिखाया जहाँ पे हिंदुइज्म की इंसल्ट वाले प्रोवोकेशन के बाद नूपुर शर्मा क्रिटिसाइज करती है इस्लाम को। मोहम्मद जुबैर ने सबसे पहले अपनी रीच का प्रयोग करते हुए इंडिया में इसे वायरल किया ऑल ओवर इंडियन मुस्लिम्स और बाद में इस क्लिप को भारतीय मुसलमानों द्वारा ही मिडिल ईस्ट में भी वायरल करवाया गया ताकि नूपुर शर्मा को फांसी दिलवाने के लिए भारत पे प्रेशर डलवाया जा सके मुस्लिम देशों द्वारा। परिणाम स्वरूप पूरा मुस्लिम उम्मा एक्टिव हो गया जो नूपुर शर्मा को फांसी देना चाहता था और 14 से अधिक इस्लामिक देश भारत की आलोचना करने लगे नूपुर शर्मा के स्टेटमेंट के लिए। अपने राजदूत और ऑफिशियल्स के द्वारा भारत के विरुद्ध उन्होंने स्टेटमेंट जारी की। अरबी देशों द्वारा भारत को कॉन्टेक्ट किया गया कि वो नूपुर शर्मा पे एक्शन ले। मोहम्मद जुबैर जो अपने आप को फैक्ट चेकर बताता है, इंटरनेट पे क्लिप कटवा और का फैक्ट चेकर कहलाता है, उसने जो इंटरनेट पे नूपुर शर्मा की एडिटेड क्लिप वायरल की और इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट को एक्टिवेट किया, वही वो ट्रिगर पॉइंट था जहाँ पे नूपुर शर्मा का जीवन खतरे में पड़ गया। इस पॉइंट के बाद नूपुर शर्मा को सेफ्टी सिक्योरिटी जैसा कुछ अपने लाइफ में दिखने वाला नहीं था। गंबर साहब के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करना, एक सौहार्द बिगाड़ने का हवाला देते हुए नूपुर शर्मा को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है।
नुपुर शर्मा अपनी साइड को रखने के लिए चीजों को क्लेरिफाई करने के लिए एक इंटरव्यू भी देती है, जिसमें वो यही कहती है कि यदि मुझे या मेरी फैमिली को कुछ भी होता है तो उसके लिए ये क्लिप कटवा यानी कि मोहम्मद जुबेर जिम्मेदार है। इफ एनीथिंग हैपेंड टू माय सेल्फ और रादर मोर इंपोर्टेंटली एनी ऑफ माय फैमिली मेंबर्स, लेट इट बी नोन 150% मोहम्मद जुबेर इज टू बी हेल्ड रिस्पांसिबल। यू कैन टेक इट एज लाइक अ डाइंग डिक्लेरेशन इफ यू मे, पर इट्स अ फैक्ट। इस इंटरव्यू में नुपुर शर्मा ने अपनी साइड की और अधिक स्टोरी बताई और एलएसजेड इस्लामिक वर्सेस, जिनके रेफरेंसेस नुपुर शर्मा द्वारा टीवी डिबेट्स में दिए गए थे, उन एलएसजेड वर्सेस को इस इंटरव्यू में दिखाया गया, उनका सोर्स बताया गया, जो उन्होंने अपनी साइड से दिखाया है, मैं तुम्हें वही दिखा देता हूं। I'll just read out a couple of verses and I'll leave it to the audience. Hadith 22 of book 38 talks about the existence of winged horses in paradise. Another one, Sahih al-Bukhari 5134, book 67, Hadith 70. The Prophet, peace be upon him, married Aisha when she was 6 years old and he consummated his marriage when she was 9 years old. Bukhari mentions that Prophet Muhammad was 53 years old when he married Aisha. These are from the book and I can go on and on. Hadith 3380 of book 26, volume 4 of Sunan An-Nasai 3378. That also talks about exactly the same thing. We can go on quoting hadiths and we can go on quoting the Quran. आगे इस इंटरव्यू में नुपुर शर्मा ये भी कहती है कि जिन references को नुपुर के द्वारा quote किया गया, बिल्कुल उन्हीं references को जाकिर नायक के द्वारा और दुनिया भर के मौलानाओं के द्वारा भी quote किया जाता है और करोड़ों मुस्लिम इन्हीं मौलानाओं की बात सुनते हैं, इन्हीं को सही मानते हैं। पर इस इंटरव्यू से यदि कोई फैक्ट नहीं पड़ा, मुसलमानों के बड़े हिस्से ने मान लिया था कि नुपुर शर्मा इस्लाम की शत्रु है और अपने रिलीजन को डिफेंड करने के लिए उन्हें नुपुर शर्मा को फांसी तक पहुँचाना ही है। These kind of statements in a country like Pakistan or Bangladesh or Afghanistan, which we hope to include in Akhand Bharat someday, would result in a death sentence, quite simply. इस घटना के बाद देश भर के हजारों लाखों मुस्लिमों की भीड़ सड़कों पे थी, नुपुर शर्मा के पुतलों को फांसी पे चढ़ा के नुपुर शर्मा को वास्तविक में फांसी चढ़ाने की मांग कर रही थी, उसका सर तन से जुदा करने के यानी कि उसका गला काटने के नारे लगा रही थी अपने रिलीजन को डिफेंड करने के लिए। आईसीस, तालिबान, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन उसे मारने की योजना बना रहे थे दुनिया भर में। इसके बाद टर्की और पाकिस्तान से आतंकवादी आने लगे थे नुपुर शर्मा को मारने के लिए। अगस्त 2022 में टर्की से एक आतंकवादी आ रहा था नुपुर शर्मा को मारने के लिए, लेकिन उसे रशिया में ही डिटेन कर लिया गया और पाकिस्तानी आतंकवादी रिजवान अशरफ भी इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आता है नुपुर शर्मा को मारने के लिए। साथ में वो 11 इंच का चाकू भी अपने साथ लेके आता है। इस आतंकवादी को राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में ही पकड़ लिया गया 19 जुलाई 2022 को। फिर अगस्त 2022 में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का एक और आतंकवादी मोहम्मद नदीम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से पकड़ा जाता है, जिसने नुपुर शर्मा को मारने की प्लानिंग बनाई थी। नुपुर शर्मा से बदला लेने के लिए बांग्लादेश के मुसलमान तो सारी हदें पार कर देते हैं। जब 7 जून को वो एक 25 साल की एनजीओ वर्कर नुपुर साहा को टारगेट करते हैं, केवल इसलिए क्योंकि उस नुपुर साहा का फर्स्ट नेम नुपुर है जो नुपुर शर्मा के साथ मैच होता है और इन्हें नुपुर शर्मा से बदला चाहिए है इस्लाम के लिए। ध्यान रहे, बांग्लादेश की नुपुर साहा 6 महीने से प्रेग्नेंट होती है, फिर भी उन बांग्लादेशियों द्वारा उस महिला का गैंग रेप कर करके उस महिला को मार दिया जाता है और उसकी मरी हुई लाश को खेत में फेंक दिया जाता है। नुपुर शर्मा से बदला लेने वाली फीलिंग में जिस हद तक ये इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जाने को यार थे, उसमें बांग्लादेश वाली घटना तो केवल शुरुआत थी। भारत के इस्लामिस्टों द्वारा आगे देश भर में टेलर कन्हैया, उमेश कोहली जैसे अनगिनत हिंदुओं की हत्याएं की गई। जिन सब हत्याओं के पीछे हत्यारे मुस्लिम समाज के लोग थे, जो इन सब हिंदुओं को इसलिए मार रहे थे क्योंकि इन हिंदुओं ने नुपुर शर्मा का सोशल मीडिया पे या रियल लाइफ में सपोर्ट कर दिया। केवल इतना, हिंदू परिवार तक अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, अपने घर पीछे छोड़ के जा रहे थे इस भय में कि कहीं हम अगले टारगेट ना बन जाएं। सेलिब्रिटीज और टीवी एक्ट्रेसेस तक को जान से मार देने की धमकियां दी जा रही थी यदि वो नुपुर शर्मा का सपोर्ट करती हैं। ऐसे और भी अनगिनत केसेस थे और इन्हीं में से सबसे एक्सट्रीम केस था राजस्थान के उदयपुर शहर का, जहां टेलर कन्हैया लाल को 2 मुसलमानों द्वारा चाकुओं से मार दिया जाता है क्योंकि उनका मानना था कि इस टेलर ने नुपुर शर्मा को ऑनलाइन सपोर्ट किया है। ये दोनों मुसलमान अपनी हत्या करते इसमें पूरा सीन अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करते हैं कि कैसे उन्होंने टेलर को मारा, कैसे अपने चाकू का प्रयोग किया, सारा सब कुछ तुम्हें दिखाई देता है अपनी आंखों के सामने। उसके बाद ये दोनों लोग अपने खून से भरे हुए चाकू के साथ सेल्फी लेते हैं और पूरे इंटरनेट को दिखाते हैं कि इन्होंने क्या काम किया है, अपने इस्लाम को डिफेंड करने के लिए काफिर हिंदू कन्हैया का गला काट दिया है। तुम विश्वास नहीं करोगे, पर इन्हीं दो हत्यारों की यही वाली सेल्फी आज के दिन अमेरिका के व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट वाले हेट ग्रुप्स में प्रयोग की जाती है, 4chan जैसी वेबसाइट्स पे, जहां इस्लामिस्ट और व्हाइट सुप्रीमिस्ट लोग अपनी हिंदुओं को मारने की फैंटेसी शेयर करते हैं और उससे मैं अपनी फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए कि उन्हें कितना मजा आएगा हिंदुओं को मारने में, बिल्कुल इसी भाव को दिखाने के लिए वो इस फोटो को शेयर करते हैं एक टेम्पलेट के रूप में। और जो उदयपुर में हुआ और देश भर में जो हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट को दोषी नहीं ठहराया बल्कि नुपुर शर्मा को ही दोषी ठहराया। 1 जुलाई 2022 को जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से ये स्टेटमेंट दी।
कि नूपुर शर्मा की लूज टंग ने पूरे देश में आग लगा दी है और ये एक अकेली महिला ही दोषी है उस सब के लिए जो इस देश में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ये स्टेटमेंट इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट के लिए तो लगभग एक अप्रूवल समान थी। अब ये एक्सट्रीमिस्ट सोच रहे थे कि हम जितनी चाहे उतनी हिंसा कर सकते हैं, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि नूपुर की ही गलती है, तो हम चाहे कितनी भी हिंसा करें देश को फूंक डाले, अंत में दोष तो नूपुर शर्मा पे आना है। सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट के बाद नूपुर शर्मा को मिलने वाले थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स की संख्या भी तेजी से बढ़ गई। इस्लामिस्टों ने और ज्यादा हिंदुओं को देश भर में मारना शुरू कर दिया और ज्यादा खुलम खुला सरतन से जुदा के नारे लगाने शुरू कर दिए। मेवात के एक मुसलमान ने तो 2 करोड़ का रिवॉर्ड घोषित कर दिया उस व्यक्ति के लिए जो नूपुर शर्मा की जीभ काट के लाए। अगर जो नूपुर शर्मा की जीभ काट के लाए गए पूरी मेवात की तरफ से 2 करोड़ रुपए का ऑफर है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो वैसे भी उसकी टंग को लूज बता ही रखा था। इस समय आयरनी ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जिस जज ने इस्लामिस्टों द्वारा हिंदुओं की जाने वाली हत्या के लिए हिंदू महिला नूपुर शर्मा की ही स्टेटमेंट को दोषी ठहराया था, उसकी लूज टंग को दोषी ठहराया था, आज 2 साल बाद वही सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है कि फ्री स्पीच बड़ी महत्वपूर्ण है, फ्री स्पीच की जरूर रक्षा होनी चाहिए। जबकि 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के लिए फ्री स्पीच केवल उस तस्लीम रहमानी के लिए थी जिसने एलिजेडली भगवान शिव को इंसल्ट किया और ऐसी इंसल्ट कर करके नूपुर शर्मा को प्रोवोक किया। नूपुर शर्मा के लिए उस समय कोई फ्री स्पीच नहीं थी। इस पॉइंट तक लोग मान के चल रहे थे कि नूपुर शर्मा किसी भी दिन मारी जा सकती है। जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस समय मीडिया और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी नूपुर शर्मा के अगेंस्ट होते हैं। न्यूज चैनल तो केवल उसके नाम से टीआरपी बटोरने का काम करते हैं। यही हाल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का था, यूट्यूबर्स का था, जो उसके नाम पे वीडियो तो बना रहे थे केवल व्यूज के लिए, पर फ्री स्पीच के नाम पे भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ध्रुव राठी जैसे आम आदमी पार्टी के वर्कर जो इंटरनेट पे सोशल मीडिया एक्टिविज्म का झोला ओढ़कर इंडिया को डिक्टेटरशिप बताते फिरते हैं, ये कहते फिरते हैं कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वो लोग भी नूपुर शर्मा के केस में ये बोल रहे थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसा उसके केस में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे फ्रीडम टू अब्यूज है। और जब भारत पे 14 से ज्यादा इस्लामिक देशों का प्रेशर आता है, ऐसे इस्लामिक देश जहाँ पे फ्री स्पीच जैसा कुछ भी नहीं है केवल डिक्टेटरशिप है, तो भारत सरकार उन मुस्लिम देशों के प्रेशर में आके उन मुस्लिम देशों के आगे घुटने टेक देती है और इसी बीजेपी सरकार के द्वारा नूपुर शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट घोषित कर दिया जाता है। उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने भी नूपुर शर्मा को अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया, इस भाव के साथ कि नूपुर शर्मा जिए या मरे हम तो इससे छुटकारा पाएं, हमारी और कोई बैकलैश ना आए। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट के इन स्टेप से डिसअपॉइंटेड थे कि भला भारत की सरकार इस्लामिक शरिया कानून वाले देशों के आगे घुटने क्यों टेक रही है, अपनी बैकबोन क्यों नहीं दिखा रही, अपने ही देश की एक हिंदू सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रही। लोग इसमें फ्रांस का भी उदाहरण दे रहे थे क्योंकि वहां पे भी एक सिमिलर केस हुआ था, बल्कि फ्रांस में कई बार इस्लाम की आलोचना की गई थी फ्रांस के नागरिकों द्वारा। उस समय वहां के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो स्वयं एक लेफ्टिस्ट कहलाते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं पर्सनली चाहे इस्लाम के आलोचकों का समर्थन ना करता हूं, तब भी एक डेमोक्रेटिक देश का लीडर होने के नाते मेरी कुछ ड्यूटीज बनती हैं और वो ड्यूटीज ये हैं कि मैं अपने नागरिकों की स्वतंत्रता को डिफेंड करूं, उनकी अपनी इच्छा से मनचाही बात बोलने, लिखने, सोचने और उनको ड्रॉ करने के उनके अधिकार को डिफेंड करूं। तो ये पूरा घटनाक्रम था जो नूपुर शर्मा के केस में हुआ। तुम्हारे इसके बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। उसके सिवाय वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अधिक मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो इस चैनल की मेंबरशिप लो। और मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।